मां के नौ रूपों की आराधना को लेकर शारदीय नवरात्रि का आगाज सोमवार को होगा। नवरात्र को लेकर मंदिरों में कई धार्मिक कार्यक्रमों का प्रतिदिन आयोजन किया जाएगा। कोरोना काल के कारण तीन साल के बाद इस बार नवरात्रि की धूम रहेगी। शहर के प्राचीन गढ़ मंदिर, वांकल माता मंदिर, हिंगलाज मंदिर, जगदम्बा माता मंदिर सहित कई मंदिरों में विशेष व्यवस्थाएं मंदिर कमेटी द्वारा की गई है। कई जगहों पर गरबा रास का भी आयोजन होगा। शक्ति व उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र आश्विन शुक्ल प्रतिपदा पर सोमवार से शुरू होंगे। इसको लेकर घरों और मंदिरों में घट स्थापना की जाएगी। नवरात्र की पूर्व संध्या पर थार नगरी के गढ़ स्थित जगदम्बा माता मंदिर, स्टेशन रोड स्थित वांकल माता मंदिर, जॉर्टन रोड स्थित स्वर्णकार समाज जगदम्बा माता मंदिर, खत्रियों का निचलावास स्थित हिंगलाज शक्तिपीठ सहित अन्य मंदिरों की विशेष रूप से सजावट की गई। इसके साथ ही इन शक्तिपीठों में शारदीय नवरात्र के दौरान 9 दिनों तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को अंतिम रूप देते हुए सोमवार सुबह शुभ मुहूर्त में किए जाने वाले घट स्थापना की भी युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई। घट स्थापना को लेकर थार नगरी के बाजारों में भी रौनक नजर आई। देवी मंदिरों में घट स्थापना के साथ ही प्रतिदिन सुबह शाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं को देखते हुए मंदिर कमेटियों की ओर से विशेष इंतजाम किए गए। बैरिकेटिंग के साथ ही देवी के दर्शनों को पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के हिसाब से व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया। वहीं दूसरी ओर इस बार नवरात्र के दौरान शहर के कई स्थानों पर मां की प्रतिमाओं की स्थापना के साथ ही गरबा रास के साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। दरअसल 26 सितंबर से शुरू होने वाले नवरात्र की तैयारी अधिकतर घरों में हो चुकी है। पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शारदीय नवरात्र आरंभ हो जाएंगे। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा पाठ करने का विधान है। हिंदू धर्म के नवरात्र का काफी अधिक महत्व है। नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा की प्रतिमा के साथ कलश स्थापना की जाती है। उसके साथ ही नवमी तिथि को पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त पर नवरात्र का पारण किया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्र काफी शुभ संयोग में पड़ रही है। इस साल शारदीय नवरात्र सोमवार के दिन शुरू हो रहा है, जो काफी शुभ माना जाता है। 26 सितंबर के दिन सोमवार पड़ने के साथ साथ शुक्ल और ब्रह्म योग बन रहा है। इस शुभ योग में मां दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। के नाम से ही प्रतीत है शारदीय नवरात्र। ऋतु परिवर्तन का ये जो काल है, 9 दिन इसमें तप साधन किया जाता है। कल प्रातः 6:38 से 8:04 तक अमृत वेला का काल रहेगा। उसके पश्चात 9:35 से 11:05 तक शुभ वेला रहेगी और दोपहर 12:12 से 1 पर्यंत अभिजीत मुहूर्त रहेगा। नवरात्र को लेकर रविवार को बाड़मेर शहर के विभिन्न बाजारों में देर शाम तक खरीदारी चलती रही। लोगों ने नवरात्र पूजन के लिए पूजन सामग्री की खरीदारी की। मिठाई, पुष्पमाला और सजावटी सामानों की दुकानों पर भी खरीदारी की भीड़ रही। नवरात्र के दौरान गेहूं के ज्वारा के लिए मिट्टी से बने पालसियों की भी बिक्री हुई। वहीं स्टेशन रोड स्थित सहित विभिन्न स्थानों पर लगी मूर्तियों की दुकानों पर देर शाम तक देवी प्रतिमाओं की खरीदारी चलती रही।